चांद और मैं तारा। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, और तबीयत आजकल कैसी? एक सेकंड आना, एक बात करनी। आना। अरे खातून कौन है? अब सफ़ुत चची को पता है इस बारे में? नहीं, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बताना भी मत। अच्छा सबक सिखा रहे हो घर की बहू बेटियों को। भैया, सफ़ो को पता चल गया तो बड़ा हंगामा करेगी। उसका हंगामा करना बनता है। ये लाओ, हाफिज। ऐसी कौन सी मीटिंग है तुम्हारी जिसका मुझे इल्म नहीं? बाबू भैया, एक पुराना दोस्त आया हुआ है दुबई से, तो उसके साथ प्लानिंग चल रही है। ये आधी रात को किससे बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, किसी से नहीं, बस मैं वो अकाउंट देख रहा था हाशु का, इंस्टा का। क्या है अकाउंट में? शायद रिजल्ट आ रहा है उसका और रूमी का। काफी स्टोरीज लगा रखी है दोनों ने। जाओ तुम, बाद में बात करेंगे अलहदा में। ओके बाबू भैया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में यहाँ पर चांद जो कि अपने चचे को यहाँ पर देख ही लेता है, वो किसी और लड़की के साथ होते हैं, लेकिन वो चचा जब यहाँ पर तारा को देखता है तो वो उस आवाज़ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर उसके चचा उसे धोखा ही दे रहे हैं। यहाँ पर चांद जब यहाँ पर आ ही जाता है तारा के हॉस्पिटल में, तो तारा से बताते हैं कि तारा मैं आपके लिए आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर आते हो तो तारा के यहाँ पर पेशेंट ही होते हैं, तो यहाँ पर वो माफ़ी मांगते हो बाहर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जब तारा आ जाता है तो वो उसे बताते हैं कि चांद मैंने आपसे बात करनी है, क्योंकि वो चांद उसे बताते हैं कि हाँ ठीक है, जो भी बात करनी हम घर में करेंगे, यहाँ पर आपने कोई भी बात नहीं करनी हमसे। चांद ही बताते हुए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर चांद जब घर में आ जाता है तो तारा भी, तो तारा यहाँ पर जब चचे को बुलाते हैं उसे बताते हैं कि इस बात को चचे की पता है, तो उसके कहा नहीं आपने बताया भी नहीं। लेकिन यहाँ पर तारा के जो ससुर होते हैं वो यहाँ पर आते अपने भाई को बताते हैं कि आप तो सही बता रहे हैं, अपने मेरी बहू और बेटियों को सही तरबियत दे रहे हो, अगर आप इस तरह करोगे तो और घर में कितना माहौल होगा। इसी बात को लेकर यहाँ पर बहुत हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनको क्या पता कि यहाँ पर होता ही क्या है। यहाँ पर तारा क्योंकि चची को बताने के लिए यहाँ पर उसे बताते हैं कि मैं चची को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आप किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो और मैंने तो आपको हालांकि हाथों पकड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर चची को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर चची को पता चल गया तो यहाँ पर इसके घर में बहुत धूम मचेगी। और इसी बात को लेकर यहाँ पर तारा कुछ नहीं कहती, लेकिन यहाँ पर तारा आकर मजबूर हो जाती है और चची को बता ही देती है कि चची यहाँ पर मैंने आपसे बात छुपाई थी और मुझे इस तरह का नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके जो कि खान को यहाँ पर देखा था किसी और लड़की के साथ। इसी बात को यहाँ पर उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, लेकिन उसे आपको बताना चाहिए कि आपको इस बात पर यकीन करना चाहिए। लेकिन मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि इसी बात को आपको यकीन ही करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने यकीन नहीं किया तो वहाँ पर वो फिर दोबारा चला जाएगा और इसी हरकत करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कहते हुए चचा आ जाता है, वो तारा को बताते हैं कि तारा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो आपके बाप की उम्र की जगह ली ही है, अगर आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी तो आप मुझे साफ साफ बता सकते थे, आखिरकार आपने इस तरह मेरे साथ क्यों की। तो चची चाचा यहाँ पर तारा भी बताते कि नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैंने तो अपने फ़र्ज अदा की हुई है, अगर आपने चची के साथ इस तरह की तो आपके साथ भी इस तरह होगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकती, चची बहुत अच्छी, बहुत मतलब बहुत अच्छी है, अगर उसके साथ इस तरह हो तो मुझे इस बात का कभी भी मतलब अंदाज़ा नहीं हो सकता, मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किसी और को यहाँ पर नहीं देख सकता चची के साथ। यहाँ पर बताते हुए चची वहाँ से चली जाती हैं और इसी बात को लेकर यहाँ पर चचा जो कि यहाँ पर सब लोगों के सामने अपनी मतलब जुर्म कबूल करता है और आइंदा ना करने की उसे मतलब बहुत सजा होती है। लेकिन यहाँ पर आखिर चांद जो कि तारा से उसे नाराज़ होता है, तारा को बताते हैं कि आखिरकार हमने शादी की तो हमने शादी किस लिए की, मैं दिन को आता हूँ और आप रात को चली जाती हो, ना मैं भी मिलता हूँ ना आप भी मिलते हो, आप मेरी ये कैसी लाइफ बन गई है, मैंने तो मोहब्बत इसलिए नहीं की थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में यहाँ पर चांद जो कि अपने चचे को यहाँ पर देख ही लेता है, वो किसी और लड़की के साथ होते हैं, लेकिन वो चचा जब यहाँ पर तारा को देखता है तो वो उस आवाज़ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर उसके चचा उसे धोखा ही दे रहे हैं। यहाँ पर चांद जब यहाँ पर आ ही जाता है तारा के हॉस्पिटल में, तो तारा से बताते हैं कि तारा मैं आपके लिए आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर आते हो तो तारा के यहाँ पर पेशेंट ही होते हैं, तो यहाँ पर वो उस माफ़ी मांगते हो बाहर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जब तारा आ जाता है तो वो उसे बताते हैं कि चांद मैंने आपसे बात करनी है, क्योंकि वो चांद उसे बताते हैं कि हाँ ठीक है, जो भी बात करनी हम घर में करेंगे, यहाँ पर आपने कोई भी बात नहीं करनी हमसे। चांद ही बताते हुए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर चांद जब घर में आ जाते हैं तो तारा भी, तो तारा यहाँ पर जब चचे को बुलाते हैं उसे बताते हैं कि इस बात को चचे की पता है, तो उसके कहा नहीं आपने बताया भी नहीं। लेकिन यहाँ पर तारा के जो ससुर होते हैं वो यहाँ पर आते अपने भाई को बताते हैं कि आप तो सही बता रहे हैं, अपने मेरी बहू और बेटियों को सही तरबियत दे रहे हो, अगर आप इस तरह करोगे तो और घर में कितना माहौल होगा। इसी बात को लेकर यहाँ पर बहुत हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनको क्या पता कि यहाँ पर होता ही क्या है। यहाँ पर तारा क्योंकि चची को बताने के लिए यहाँ पर उसे बताते हैं कि मैं चची को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आप किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो और मैंने तो आपको रंगे हाथों पकड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर चची को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर चची ने को पता चल गया तो यहाँ पर इसके घर में बहुत धूम मचेगी। और इसी बात को लेकर यहाँ पर तारा कुछ नहीं कहती, लेकिन यहाँ पर तारा आकर मजबूर हो जाती है और चची को बता ही देती है कि चची यहाँ पर मैंने आपसे बात छुपाई थी और मुझे इस तरह का नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके जो कि खान को यहाँ पर देखा था किसी और लड़की के साथ। इसी बात को यहाँ पर उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, लेकिन उसे आपको बताना चाहिए कि आपको इस बात पर यकीन करना चाहिए। लेकिन मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि इसी बात को आपको यकीन ही करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने यकीन नहीं किया तो वहाँ पर वो फिर दोबारा चला जाएगा और इसी हरकत करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कहते हुए चचा आ जाता है, वो तारा को बताते हैं कि तारा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो आपके बाप की उम्र की जगह ली ही है, अगर आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी तो आप मुझे साफ साफ बता सकते थे, आखिरकार आपने इस तरह मेरे साथ क्यों की। तो चची यहाँ पर तारा भी बताते कि नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैंने तो अपने फ़र्ज अदा की हुई है, अगर आपने चची के साथ इस तरह की तो आपके साथ भी इस तरह होगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकती, चची बहुत अच्छी है, अगर उसके साथ इस तरह हो तो मुझे इस बात का कभी भी मतलब अंदाज़ा नहीं हो सकता, मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किसी और को यहाँ पर नहीं देख सकता चची के साथ। यहाँ पर बताते हुए चची वहाँ से चली जाती हैं और इसी बात को लेकर यहाँ पर चचा जो कि यहाँ पर सब लोगों के सामने अपनी मतलब जुर्म कबूल करता है और आइंदा ना करने की उसे मतलब बहुत सजा होती है। लेकिन यहाँ पर आखिर चांद जो कि तारा से उसे नाराज़ होता है, तारा को बताते हैं कि आखिरकार हमने शादी की तो हमने शादी किस लिए की, मैं दिन को आता हूँ और आप रात को चली जाती हो, ना मैं भी मिलता हूँ ना आप भी मिलते हो, आप मेरी ये कैसी लाइफ बन गई है, मैंने तो मोहब्बत इसलिए नहीं की थी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में यहाँ पर चांद जो कि अपने चचे को यहाँ पर देख ही लेता है, वो किसी और लड़की के साथ होते हैं, लेकिन वो चचा जब यहाँ पर तारा को देखता है तो वो उस आवाज़ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर उसके चचा उसे धोखा ही दे रहे हैं। यहाँ पर चांद जब यहाँ पर आ ही जाता है तारा के हॉस्पिटल में, तो तारा से बताते हैं कि तारा मैं आपके लिए आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर आते हो तो तारा के यहाँ पर पेशेंट ही होते हैं, तो यहाँ पर वो उस माफ़ी मांगते हो बाहर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जब तारा आ जाता है तो वो उसे बताते हैं कि चांद मैंने आपसे बात करनी है, क्योंकि वो चांद उसे बताते हैं कि हाँ ठीक है, जो भी बात करनी हम घर में करेंगे, यहाँ पर आपने कोई भी बात नहीं करनी हमसे। चांद ही बताते हुए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर चांद जब घर में आ जाता है तो तारा भी, तो तारा यहाँ पर जब चचे को बुलाते हैं उसे बताते हैं कि इस बात को चचे की पता है, तो उसके कहा नहीं आपने बताया भी नहीं। लेकिन यहाँ पर तारा के जो ससुर होते हैं वो यहाँ पर आते अपने भाई को बताते हैं कि आप तो सही बता रहे हैं, अपने मेरी बहू और बेटियों को सही तरबियत दे रहे हो, अगर आप इस तरह करोगे तो और घर में कितना माहौल होगा। इसी बात को लेकर यहाँ पर बहुत हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनको क्या पता कि यहाँ पर होता ही क्या है।
यहाँ पर तारा, क्योंकि चची को बताने के लिए यहाँ पर उसे बताते हैं कि मैं चची को ज़रूर बताऊंगा क्योंकि आप किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो और मैंने तो आपको रंगे हाथों पकड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर चची को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर अगर चची को पता चल गया तो यहाँ पर इसके घर में बहुत धूम मचेगी और इसी बात को लेकर यहाँ पर तारा कुछ नहीं कहती। लेकिन यहाँ पर तारा आकर मजबूर हो जाती है और चची को बता ही देती है कि चची यहाँ पर मैंने आपसे एक बात छुपाई थी और मुझे इस तरह का नहीं करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके जो कि खान को यहाँ पर देखा था किसी और लड़की के साथ। इसी बात को यहाँ पर उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो। लेकिन उसे आपको बताना चाहिए कि आपको इस बात पर यकीन करना चाहिए। लेकिन मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि इसी बात को आपको यकीन ही करना होगा क्योंकि अगर यहाँ पर आपने यकीन नहीं किया तो वहाँ पर वो फिर दोबारा चला जाएगा और इसी हरकत करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कहते हुए चचा आ जाता है। वो तारा को बताते हैं कि तारा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो आपके बाप की उम्र की जगह ली ही है। अगर आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी तो आप मुझे साफ साफ बता सकते थे। आखिरकार आपने इस तरह मेरे साथ क्यों की। तो चची चाचा यहाँ पर तारा भी बताते कि नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैंने तो अपने फ़र्ज अदा की हुई है। अगर आपने चची के साथ इस तरह की तो आपके साथ भी इस तरह होगा क्योंकि मैं नहीं देख सकती। चची बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। अगर उसके साथ इस तरह हो तो मुझे इस बात का कभी भी अंदाज़ा नहीं हो सकता, मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किसी और को यहाँ पर नहीं देख सकता चची के साथ। यहाँ पर बताते हुए चची वहाँ से चली जाती हैं और इसी बात को लेकर यहाँ पर चचा जो कि यहाँ पर सब लोगों के सामने अपनी जुर्म कबूल करता है और आइंदा ना करने की उसे बहुत सजा होती हैं। लेकिन यहाँ पर आखिर छान जो कि तारा से उसे नाराज़ होता है, तारा को बताते हैं कि आखिरकार हमने शादी की तो हमने शादी किस लिए की, मैं दिन को आता हूँ और आप रात को चली जाती हो, ना मैं भी मिलता हूँ ना आप भी मिलते हो, आप मेरी ये कैसी लाइफ बन गई है। मैंने तो मोहब्बत इसलिए नहीं की थी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में यहाँ पर चांद जो कि अपने चचे को यहाँ पर देख ही लेता है, वो किसी और लड़की के साथ होते हैं। लेकिन वो चचा जब यहाँ पर तारा को देखता है तो वो उस आवाज़ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर उसके चचा उसे धोखा ही दे रहे हैं। यहाँ पर चांद जब यहाँ पर आ ही जाता है तारा के हॉस्पिटल में तो तारा से बताते हैं कि तारा मैं आपके लिए आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर आते हो तो तारा के यहाँ पर पेशेंट ही होते हैं तो यहाँ पर वो उस माफ़ी मांगते हो बाहर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जब तारा आ जाता है तो वो उसे बताते हैं कि चांद मैंने आपसे बात करनी है, क्योंकि वो चांद उसे बताते हैं कि हाँ ठीक है जो भी बात करनी हम घर में करेंगे, यहाँ पर आपने कोई भी बात नहीं करनी हमसे। चांद ही बताते हुए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर चांद जब घर में आ जाता है तो तारा भी, तो तारा यहाँ पर जब चचे को बुलाते हैं उसे बताते हैं कि इस बात को चचे की पता है, तो उसके कहा नहीं आपने बताया भी नहीं। लेकिन यहाँ पर तारा के जो ससुर होते हैं वो यहाँ पर आते अपने भाई को बताते हैं कि आप तो सही बता रहे हैं, अपने मेरी बहू और बेटियों को सही तरबियत दे रहे हो, अगर आप इस तरह करोगे तो और घर में कितना माहौल होगा। इसी बात को लेकर यहाँ पर बहुत हंगामा खड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इनको क्या पता कि यहाँ पर होता ही क्या है। यहाँ पर तारा क्योंकि चची को बताने के लिए यहाँ पर उसे बताते हैं कि मैं चची को ज़रूर बताऊंगा क्योंकि आप किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो और मैंने तो आपको रंगे हाथों पकड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर चची को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर अगर चची को पता चल गया तो यहाँ पर इसके घर में बहुत धूम मचेगी और इसी बात को लेकर यहाँ पर तारा कुछ नहीं कहती। लेकिन यहाँ पर तारा आकर मजबूर हो जाती है और चची को बता ही देती है कि चची यहाँ पर मैंने आपसे एक बात छुपाई थी और मुझे इस तरह का नहीं करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके जो कि खान को यहाँ पर देखा था किसी और लड़की के साथ। इसी बात को यहाँ पर उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो। लेकिन उसे आपको बताना चाहिए कि आपको इस बात पर यकीन करना चाहिए। लेकिन मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि इसी बात को आपको यकीन ही करना होगा क्योंकि अगर यहाँ पर आपने यकीन नहीं किया तो वहाँ पर वो फिर दोबारा चला जाएगा और इसी हरकत करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कहते हुए चचा आ जाता है। वो तारा को बताते हैं कि तारा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो आपके बाप की उम्र की जगह ली ही है। अगर आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी तो आप मुझे साफ साफ बता सकते थे। आखिरकार आपने इस तरह मेरे साथ क्यों की। तो चची चाचा यहाँ पर तारा भी बताते कि नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैंने तो अपने फ़र्ज अदा की हुई है। अगर आपने चची के साथ इस तरह की तो आपके साथ भी इस तरह होगा क्योंकि मैं नहीं देख सकती। चची बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है।
अगर उसके साथ इस तरह हो तो मुझे इस बात का कभी भी मतलब अंदाज़ा नहीं हो सकता, मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किसी और को यहाँ पर नहीं देख सकता चाची के साथ। यहाँ पर बताते हुए चाची वहाँ से चली जाती हैं और इसी बात को लेकर यहाँ पर चाचा जो कि यहाँ पर सब लोगों के सामने अपनी मतलब जुर्म कबूल करता है और आइंदा ना करने की उसे मतलब बहुत सजा होती है। लेकिन यहाँ पर आखिर चांद जो कि तारा से उसे नाराज़ होता है, तारा को बताते हैं कि आखिरकार हमने शादी की तो हमने शादी किस लिए की, मैं दिन को आता हूँ और आप रात को चली जाती हो, ना मैं भी मिलता हूँ ना आप भी मिलते हो, आप मेरी ये कैसी लाइफ बन गई है, मैंने तो मोहब्बत इसलिए नहीं की थी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में यहाँ पर चांद जो कि अपने चचे को यहाँ पर देख ही लेता है, वो किसी और लड़की के साथ होते हैं, लेकिन वो चचा जब यहाँ पर तारा को देखता है तो वो उस आवाज़ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर उसके चचा उसे धोखा ही दे रहे हैं। यहाँ पर चांद जब यहाँ पर आ ही जाता है तारा के हॉस्पिटल में, तो तारा से बताते हैं कि तारा मैं आपके लिए आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर आते हो तो तारा के यहाँ पर पेशेंट ही होते हैं, तो यहाँ पर वो उस माफ़ी मांगते हो बाहर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जब तारा आ जाता है तो वो उसे बताते हैं कि चांद मैंने आपसे बात करनी है, क्योंकि वो चांद उसे बताते हैं कि हाँ ठीक है, जो भी बात करनी हम घर में करेंगे, यहाँ पर आपने कोई भी बात नहीं करनी हमसे। चांद ही बताते हुए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर चांद जब घर में आ जाते हैं तो तारा भी, तो तारा यहाँ पर जब चचे को बुलाते हैं उसे बताते हैं कि इस बात को चचे की पता है, तो उसके कहा नहीं आपने बताया भी नहीं। लेकिन यहाँ पर तारा के जो ससुर होते हैं वो यहाँ पर आते अपने भाई को बताते हैं कि आप तो सही बता रहे हैं, अपने मेरी बहू और बेटियों को सही तरबियत दे रहे हो, अगर आप इस तरह करोगे तो और घर में कितना माहौल होगा। इसी बात को लेकर यहाँ पर बहुत हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनको क्या पता कि यहाँ पर होता ही क्या है। यहाँ पर तारा क्योंकि चची को बताने के लिए यहाँ पर उसे बता दे कि मैं चची को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आप किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो और मैंने तो आपको हालांकि हाथों पकड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर चची को तो इस बात का इलम नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर चची ने को पता चल गया तो यहाँ पर इसके घर में बहुत धूम मचेगी। और इसी बात को लेकर यहाँ पर तारा कुछ नहीं कहती, लेकिन यहाँ पर तारा आकर मजबूर हो जाती है और चची को बता ही देती है कि चची यहाँ पर मैंने आपसे एक बात छुपाई थी और मुझे इस तरह का नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके जो कि खान को यहाँ पर देखा था किसी और लड़की के साथ। इसी बात को यहाँ पर उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, लेकिन उसे आपको बताना चाहिए कि आपको इस बात पर यकीन करना चाहिए। लेकिन मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि इसी बात को आपको यकीन ही करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने यकीन नहीं किया तो वहाँ पर वो फिर दोबारा चला जाएगा और इसी हरकत करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कहते हुए चचा आ जाता है, वो तारा को बताते हैं कि तारा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो आपके बाप की उम्र की जगह ली ही है, अगर आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी तो आप मुझे साफ साफ बता सकते थे, आखिरकार आपने इस तरह मेरे साथ क्यों की। तो चची यहाँ पर तारा भी बताते कि नहीं इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैंने तो अपने फ़र्ज अदा की हुई है, अगर आपने चची के साथ इस तरह की तो आपके साथ भी इस तरह होगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकती चची बहुत अच्छी बहुत अच्छी है, अगर उसके साथ इस तरह हो तो मुझे इस बात का कभी भी मतलब अंदाज़ा नहीं हो सकता, मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किसी और को यहाँ पर नहीं देख सकता चची के साथ। यहाँ पर बताते हुए चची वहाँ से चली जाती हैं और इसी बात को लेकर यहाँ पर चचा जो कि यहाँ पर सब लोगों के सामने अपनी मतलब जुर्म कबूल करता है और आइंदा ना करने की उसे मतलब बहुत सजा होती है। लेकिन यहाँ पर आखिर चांद जो कि तारा से उसे नाराज़ होता है, तारा को बताते हैं कि आखिरकार हमने शादी की तो हमने शादी किस लिए की, मैं दिन को आता हूँ और आप रात को चली जाती हो, ना मैं भी मिलता हूँ ना आप भी मिलते हो, आप मेरी ये कैसी लाइफ बन गई है, मैंने तो मोहब्बत इसलिए नहीं की थी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में यहाँ पर चांद जो कि अपने चचे को यहाँ पर देख ही लेता है, वो किसी और लड़की के साथ होते हैं, लेकिन वो चचा जब यहाँ पर तारा को देखता है तो वो उस आवाज़ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर उसके चचा उसे धोखा ही दे रहे हैं। यहाँ पर चांद जब यहाँ पर आ ही जाता है तारा के हॉस्पिटल में, तो तारा से बताते हैं कि तारा मैं आपके लिए आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर आते हो तो तारा के यहाँ पर पेशेंट ही होते हैं, तो यहाँ पर वो उस माफ़ी मांगते हो बाहर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जब तारा आ जाता है तो वो उसे बताते हैं कि
चांद मैंने आपसे बात करनी है, क्योंकि वो चांद उसे बताते हैं कि हाँ ठीक है जो भी बात करनी हम घर में करेंगे, यहाँ पर आपने कोई भी बात नहीं करनी हमसे। चांद यही बताते हुए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर चांद जब घर में आ जाता है तो तारा भी, तो तारा यहाँ पर जब चचे को बुलाते हैं उसे बताते हैं कि इस बात को चचे की पता है, तो उसके कहा नहीं आपने बताया भी नहीं। लेकिन यहाँ पर तारा के जो ससुर होते हैं वो यहाँ पर आते अपने भाई को बताते हैं कि आप तो सही बता रहे हैं, अपने मेरी बहू और बेटियों को सही तरबियत दे रहे हो, अगर आप इस तरह करोगे तो और घर में कितना माहौल होगा। इसी बात को लेकर यहाँ पर बहुत हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनको क्या पता कि यहाँ पर होता ही क्या है। यहाँ पर तारा क्योंकि चची को बताने के लिए यहाँ पर उसे बताते हैं कि मैं चची को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आप किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो और मैंने तो आपको रंगे हाथों पकड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर चची को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर चची को पता चल गया तो यहाँ पर इसके घर में बहुत धूम मचेगी। और इसी बात को लेकर यहाँ पर तारा कुछ नहीं कहती, लेकिन यहाँ पर तारा आकर मजबूर हो जाती है और चची को बता ही देती है कि चची यहाँ पर मैंने आपसे बात छुपाई थी और मुझे इस तरह का नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके जो कि खान को यहाँ पर देखा था किसी और लड़की के साथ। इसी बात को यहाँ पर उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, लेकिन उसे आपको बताना चाहिए कि आपको इस बात पर यकीन करना चाहिए। लेकिन मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि इसी बात को आपको यकीन ही करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने यकीन नहीं किया तो वहाँ पर वो फिर दोबारा चला जाएगा और इसी हरकत करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कहते हुए चचा आ ही जाता है, वो तारा को बताते हैं कि तारा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो आपके बाप की उम्र की जगह ली ही है, अगर आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी तो आप मुझे साफ साफ बता सकते थे, आखिरकार आपने इस तरह मेरे साथ क्यों की। तो चची चाचा यहाँ पर तारा भी बताते कि नहीं इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैंने तो अपने फ़र्ज अदा की हुई है, अगर आपने चची के साथ इस तरह की तो आपके साथ भी इस तरह होगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकती चची बहुत अच्छी बहुत अच्छी है, अगर उसके साथ इस तरह हो तो मुझे इस बात का कभी भी अंदाज़ा नहीं हो सकता, मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किसी और को यहाँ पर नहीं देख सकता चची के साथ। यहाँ पर बताते हुए चची वहाँ से चली जाती हैं और इसी बात को लेकर यहाँ पर चचा जो कि यहाँ पर सब लोगों के सामने अपनी जुर्म कबूल करता है और आइंदा ना करने की उसे बहुत सजा होती है। लेकिन यहाँ पर आखिर चांद जो कि तारा से उसे नाराज़ होता है, तारा को बताते हैं कि आखिरकार हमने शादी की तो हमने शादी किस लिए की, मैं दिन को आता हूँ और आप रात को चली जाती हो, ना मैं भी मिलता हूँ ना आप भी मिलते हो, आप मेरी ये कैसी लाइफ बन गई है, मैंने तो मोहब्बत इसलिए नहीं की थी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में यहाँ पर चांद जो कि अपने चचे को यहाँ पर देख ही लेता है, वो किसी और लड़की के साथ होते हैं, लेकिन वो चचा जब यहाँ पर तारा को देखता है तो वो उस आवाज़ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर उसके चचा उसे धोखा ही दे रहे हैं। यहाँ पर चांद जब यहाँ पर आ ही जाता है तारा के हॉस्पिटल में तो तारा से बताते हैं कि तारा मैं आपके लिए आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर आते हो तो तारा के यहाँ पर पेशेंट ही होते हैं, तो यहाँ पर वो उस माफ़ी मांगते हो बाहर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जब तारा आ जाता है तो वो उसे बताते हैं कि चांद मैंने आपसे बात करनी है, क्योंकि वो चांद उसे बताते हैं कि हाँ ठीक है जो भी बात करनी हम घर में करेंगे, यहाँ पर आपने कोई भी बात नहीं करनी हमसे। चांद यही बताते हुए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर चांद जब घर में आ जाता है तो तारा भी, तो तारा यहाँ पर जब चचे को बुलाते हैं उसे बताते हैं कि इस बात को चचे की पता है, तो उसके कहा नहीं आपने बताया भी नहीं। लेकिन यहाँ पर तारा के जो ससुर होते हैं वो यहाँ पर आते अपने भाई को बताते हैं कि आप तो सही बता रहे हैं, अपने मेरी बहू और बेटियों को सही तरबियत दे रहे हो, अगर आप इस तरह करोगे तो और घर में कितना माहौल होगा। इसी बात को लेकर यहाँ पर बहुत हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनको क्या पता कि यहाँ पर होता ही क्या है। यहाँ पर तारा क्योंकि चची को बताने के लिए यहाँ पर उसे बताते कि मैं चची को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आप किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो और मैंने तो आपको रंगे हाथों पकड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर चची को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर चची को पता चल गया तो यहाँ पर इसके घर में बहुत धूम मचेगी। और इसी बात को लेकर यहाँ पर तारा कुछ नहीं कहती, लेकिन यहाँ पर तारा आकर मजबूर हो जाती है और चची को बता ही देती है कि चची यहाँ पर मैंने आपसे बात छुपाई थी और मुझे इस तरह का नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके जो कि खान को यहाँ पर देखा था किसी और लड़की के साथ। इसी बात को यहाँ पर
उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, लेकिन उसे आपको बताना चाहिए कि आपको इस बात पर यकीन करना चाहिए। लेकिन मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि इसी बात को आपको यकीन ही करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने यकीन नहीं किया तो वहाँ पर वो फिर दोबारा चला जाएगा और इसी हरकत करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कहते हुए चचा आ जाता है और तारा को बताता है कि तारा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो आपके बाप की उम्र की जगह ली ही है। अगर आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी तो आप मुझे साफ साफ बता सकते थे, आखिरकार आपने इस तरह मेरे साथ क्यों की। तो चचे चाचा यहाँ पर तारा भी बताते कि नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैंने तो अपने फ़र्ज अदा की हुई है। अगर आपने चचे के साथ इस तरह की तो आपके साथ भी इस तरह होगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकती, चिची बहुत अच्छी, बहुत मतलब बहुत अच्छी है। अगर उसके साथ इस तरह हो तो मुझे इस बात का कभी भी मतलब अंदाज़ा नहीं हो सकता, मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किसी और को यहाँ पर नहीं देख सकता चची के साथ। यहाँ पर बताते हुए चची वहाँ से चली जाती हैं और इसी बात को लेकर यहाँ पर चचा जो कि यहाँ पर सब लोगों के सामने अपनी मतलब जुर्म कबूल करता है और आइंदा ना करने की उसे मतलब बहुत सजा होती है। लेकिन यहाँ पर आखिर चांद जो कि तारा से उसे नाराज़ होता है, तारा को बताते हैं कि आखिरकार हमने शादी की तो हमने शादी किस लिए की, मैं दिन को आता हूँ और आप रात को चली जाती हो, ना मैं भी मिलता हूँ ना आप भी मिलते हो, आप मेरी ये कैसी लाइफ बन गई है, मैंने तो मोहब्बत इसलिए नहीं की थी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में यहाँ पर चांद जो कि अपने चचे को यहाँ पर देख ही लेता है, वो किसी और लड़की के साथ होते हैं, लेकिन वो चचा जब यहाँ पर तारा को देखता है तो वो उस आवाज़ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर उसके चचा उसे धोखा ही दे रहे हैं। यहाँ पर चांद जब यहाँ पर आ ही जाता है तारा के हॉस्पिटल में तो तारा से बताते हैं कि तारा मैं आपके लिए आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर आते हो तो तारा के यहाँ पर पेशेंट ही होते हैं, तो यहाँ पर वो माफ़ी मांगते हो बाहर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जब तारा आ जाता है तो वो उसे बताते हैं कि चांद मैंने आपसे बात करनी है, क्योंकि वो चांद उसे बताते हैं कि हाँ ठीक है, जो भी बात करनी हम घर में करेंगे, यहाँ पर आपने कोई भी बात नहीं करनी हमसे। चांद ही बताते हुए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर चांद जब घर में आ जाता है तो तारा भी, तो तारा यहाँ पर जब चचे को बुलाते हैं उसे बताते हैं कि इस बात को चचे की पता है, तो उसके कहा नहीं आपने बताया भी नहीं। लेकिन यहाँ पर तारा के जो ससुर होते हैं वो यहाँ पर आते अपने भाई को बताते हैं कि आप तो सही बता रहे हैं, अपने मेरी बहू और बेटियों को सही तरबियत दे रहे हो, अगर आप इस तरह करोगे तो और घर में कितना माहौल होगा। इसी बात को लेकर यहाँ पर बहुत हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनको क्या पता कि यहाँ पर होता ही क्या है। यहाँ पर तारा क्योंकि चची को बताने के लिए यहाँ पर उसे बताते हैं कि मैं चची को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आप किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो और मैंने तो आपको हालांकि हाथों पकड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर चची को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर चची को पता चल गया तो यहाँ पर इसके घर में बहुत धूम मचेगी। और इसी बात को लेकर यहाँ पर तारा कुछ नहीं कहती, लेकिन यहाँ पर तारा आकर मजबूर हो जाती है और चची को बता ही देती है कि चची यहाँ पर मैंने आपसे बात छुपाई थी और मुझे इस तरह का नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके जो कि खान को यहाँ पर देखा था किसी और लड़की के साथ। इसी बात को यहाँ पर उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, लेकिन उसे आपको बताना चाहिए कि आपको इस बात पर यकीन करना चाहिए। लेकिन मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि इसी बात को आपको यकीन ही करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने यकीन नहीं किया तो वहाँ पर वो फिर दोबारा चला जाएगा और इसी हरकत करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कहते हुए चचा आ जाता है और तारा को बताते हैं कि तारा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो आपके बाप की उम्र की जगह ली ही है। अगर आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी तो आप मुझे साफ साफ बता सकते थे, आखिरकार आपने इस तरह मेरे साथ क्यों की। तो चचे चाचा यहाँ पर तारा भी बताते कि नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैंने तो अपने फ़र्ज अदा की हुई है, अगर आपने चचे के साथ इस तरह की तो आपके साथ भी इस तरह होगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकती, चिची बहुत अच्छी, बहुत मतलब बहुत अच्छी है। अगर उसके साथ इस तरह हो तो मुझे इस बात का कभी भी मतलब अंदाज़ा नहीं हो सकता, मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किसी और को यहाँ पर नहीं देख सकता चची के साथ। यहाँ पर बताते हुए चची वहाँ से चली जाती हैं और इसी बात को लेकर यहाँ पर चचा जो कि यहाँ पर सब लोगों के सामने अपनी मतलब जुर्म कबूल करता है और आइंदा ना करने की उसे मतलब बहुत सजा होती है। लेकिन यहाँ पर आखिर चांद जो कि तारा से उसे नाराज़ होता है, तारा को बताते हैं कि आखिरकार हमने शादी की तो हमने शादी किस लिए की, मैं दिन को आता हूँ और आप रात को चली जाती हो,
ना मैं भी मिलता हूँ ना आप भी मिलते हो, अब मेरी ये कैसी लाइफ बन गई है। मैंने तो मोहब्बत इसलिए नहीं की थी दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में यहाँ पर चांद जो कि अपने चचे को यहाँ पर देख ही लेता है, वो किसी और लड़की के साथ होते हैं, लेकिन वो चचा जब यहाँ पर तारा को देखता है तो वो उस आवाज़ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर उसके चचा उसे धोखा ही दे रहे हैं। यहाँ पर चांद जब यहाँ पर आ ही जाता है तारा के हॉस्पिटल में तो तारा से बताते हैं कि तारा मैं आपके लिए आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर आते हो तो तारा के यहाँ पर पेशेंट ही होते हैं, तो यहाँ पर वो उस माफ़ी मांगते हो बाहर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जब तारा आ जाता है तो वो उसे बताते हैं कि चांद मैंने आपसे बात करनी है, क्योंकि वो चांद उसे बताते हैं कि हाँ ठीक है जो भी बात करनी हम घर में करेंगे, यहाँ पर आपने कोई भी बात नहीं करनी हमसे। चांद ही बताते हुए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर चांद जब घर में आ जाता है तो तारा भी, तो तारा यहाँ पर जब चचे को बुलाते हैं उसे बताते हैं कि इस बात को चचे की पता है, तो उसके कहा नहीं आपने बताया भी नहीं। लेकिन यहाँ पर तारा के जो ससुर होते हैं वो यहाँ पर आते अपने भाई को बताते हैं कि आप तो सही बता रहे हैं, अपने मेरी बहू और बेटियों को सही तरबियत दे रहे हो, अगर आप इस तरह करोगे तो और घर में कितना माहौल होगा। इसी बात को लेकर यहाँ पर बहुत हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनको क्या पता कि यहाँ पर होता ही क्या है। यहाँ पर तारा क्योंकि चची को बताने के लिए यहाँ पर उसे बताते कि मैं चची को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आप किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो और मैंने तो आपको रंगे हाथों पकड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर चची को तो इस बात के इल्म नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर चची को पता चल गया तो यहाँ पर इसके घर में बहुत धूम मचेगी। और इसी बात को लेकर यहाँ पर तारा कुछ नहीं कहती, लेकिन यहाँ पर तारा आकर मजबूर हो जाती है और चची को बता ही देती है कि चची यहाँ पर मैंने आपसे बात छुपाई थी और मुझे इस तरह का नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके जो कि खान को यहाँ पर देखा था किसी और लड़की के साथ। इसी बात को यहाँ पर उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो, लेकिन उसे आपको बताना चाहिए कि आपको इस बात पर यकीन करना चाहिए। लेकिन मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि इसी बात को आपको यकीन ही करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने यकीन नहीं किया तो वहाँ पर वो फिर दोबारा चला जाएगा और इसी हरकत करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कहते हुए चचा आ जाता है, वो तारा को बताते हैं कि तारा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो आपके बाप की उम्र की जगह ली है, अगर आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी तो आप मुझे साफ साफ बता सकते थे, आखिरकार आपने इस तरह मेरे साथ क्यों की। तो चची चाचा यहाँ पर तारा भी बताते कि नहीं इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैंने तो अपने फ़र्ज अदा की हुई है, अगर आपने चचे के साथ इस तरह की तो आपके साथ भी इस तरह होगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकती चची बहुत अच्छी बहुत अच्छी है, अगर उसके साथ इस तरह हो तो मुझे इस बात का कभी भी अंदाज़ा नहीं हो सकता, मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किसी और को यहाँ पर नहीं देख सकता चची के साथ। यहाँ पर बताते हुए चची वहाँ से चली जाती हैं और इसी बात को लेकर यहाँ पर चचा जो कि यहाँ पर सब लोगों के सामने अपनी जुर्म कबूल करता है और आइंदा ना करने की उसे बहुत सजा होती हैं। लेकिन यहाँ पर आखिर चांद जो कि तारा से उसे नाराज़ होता है, तारा को बताते हैं कि आखिरकार हमने शादी की तो हमने शादी किस लिए की, मैं दिन को आता हूँ और आप रात को चली जाती हो, ना मैं भी मिलता हूँ ना आप भी मिलते हो, अब मेरी ये कैसी लाइफ बन गई है। मैंने तो मोहब्बत इसलिए नहीं की थी दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा चांद तारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में यहाँ पर चांद जो कि अपने चचे को यहाँ पर देख ही लेता है, वो किसी और लड़की के साथ होते हैं, लेकिन वो चचा जब यहाँ पर तारा को देखता है तो वो उस आवाज़ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर उसके चचा उसे धोखा ही दे रहे हैं। यहाँ पर चांद जब यहाँ पर आ ही जाता है तारा के हॉस्पिटल में तो तारा से बताते हैं कि तारा मैं आपके लिए आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर आते हो तो तारा के यहाँ पर पेशेंट ही होते हैं, तो यहाँ पर वो उस माफ़ी मांगते हो बाहर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जब तारा आ जाता है तो वो उसे बताते हैं कि चांद मैंने आपसे बात करनी है, क्योंकि वो चांद उसे बताते हैं कि हाँ ठीक है जो भी बात करनी हम घर में करेंगे, यहाँ पर आपने कोई भी बात नहीं करनी हमसे। चांद ही बताते हुए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर चांद जब घर में आ जाता है तो तारा भी, तो तारा यहाँ पर जब चचे को बुलाते हैं उसे बताते हैं कि इस बात को चचे की पता है, तो उसके कहा नहीं आपने बताया भी नहीं। लेकिन यहाँ पर तारा के जो ससुर होते हैं वो यहाँ पर आते अपने भाई को बताते हैं कि आप तो सही बता रहे हैं, अपने मेरी बहू और बेटियों को सही तरबियत दे रहे हो, अगर आप इस तरह करोगे तो और घर में कितना माहौल होगा। इसी बात को लेकर यहाँ पर बहुत हंगामा खड़ा हो जाता है,
क्योंकि यहाँ पर इसको क्या पता कि यहाँ पर होता ही क्या है यहाँ पर तारा, क्योंकि चची को बताने के लिए यहाँ पर उसे बताते हैं कि मैं चची को ज़रूर बताऊंगा क्योंकि आप किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो और मैंने तो आपको रंगे हाथों पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ पर चची को तो इस बात का इल्म नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर अगर चची को पता चल गया तो यहाँ पर इसके घर में बहुत धूम मचेगी और इसी बात को लेकर यहाँ पर तारा कुछ नहीं कहती। लेकिन यहाँ पर तारा आकर मजबूर हो जाती है और चची को बता ही देती है कि चची यहाँ पर मैंने आपसे एक बात छुपाई थी और मुझे इस तरह का नहीं करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके जो कि खान को यहाँ पर देखा था किसी और लड़की के साथ, इसी बात को यहाँ पर उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये आप क्या बोल रही हो। लेकिन उसे आपको बताना चाहिए कि आपको इस बात पर यकीन करना चाहिए, लेकिन मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि इसी बात को आपको यकीन ही करना होगा क्योंकि अगर यहाँ पर आपने यकीन नहीं किया तो वहाँ पर वो फिर दोबारा चला जाएगा और इसी हरकत करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कहते हुए चचा आ जाता है, वो तारा को बताते हैं कि तारा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो आपके बाप की उम्र की जगह ली ही है, अगर आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी तो आप मुझे साफ साफ बता सकते थे, आखिरकार आपने इस तरह मेरे साथ क्यों की। तो चची चाचा यहाँ पर तारा भी बताते कि नहीं इस तरह की कोई भी बात नहीं है, मैंने तो अपने फ़र्ज अदा की हुई है, अगर आपने चची के साथ इस तरह की तो आपके साथ भी इस तरह होगा क्योंकि मैं नहीं देख सकती, चची बहुत अच्छी बहुत अच्छी है, अगर उसके साथ इस तरह हो तो मुझे इस बात का कभी भी अंदाज़ा नहीं हो सकता, मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता क्योंकि आपको तो पता है कि मैं किसी और को यहाँ पर नहीं देख सकता चची के साथ। यहाँ पर बताते हुए चची वहाँ से चली जाती हैं और इसी बात को लेकर यहाँ पर चचा जो कि यहाँ पर सब लोगों के सामने अपनी जुर्म कबूल करता है और आइंदा ना करने की उसे बहुत सज़ा होती है। लेकिन यहाँ पर आखिर छान जो कि तारा से उसे नाराज़ होता है, तारा को बताते हैं कि आखिरकार हमने शादी की तो हमने शादी किस लिए की, मैं दिन को आता हूँ और आप रात को चली जाती हो, ना मैं भी मिलता हूँ ना आप भी मिलते हो, आप मेरी ये कैसी लाइफ बन गई है, मैंने तो मोहब्बत इसलिए नहीं की थी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन